नाज़रीन, तारीख के सफ़र में आप सभी का इस्तकबाल। हिंदुस्तान की तारीख काफ़ी तवील है। सरजमीन हिंदुस्तान पर तकरीबन 800 सालों तक मुस्लिम हुक्मरानों ने हुकूमतें की। इसी दौरान हिंदुस्तान के कोने कोने में मुस्लिम विरासतें फैल गईं। कुछ विरासतें किताबों में दर्ज हो गई तो कुछ गुमनाम बन गई। आज मैं आपको जो मस्जिद बताने वाला हूँ ये इसी तारीख का गुमनाम हिस्सा है। तो नाज़रीन चलते हैं, इस तारीखी मस्जिद से रूबरू होते हैं। यह है काले पत्थरों से बनाई हुई तारीखी मस्जिद। नाज़रीन ये मस्जिद मौजूद है महाराष्ट्र के एक छोटे से देहात में, जिसकी कुल आबादी महज 3,000 है और मुस्लिम आबादी मानो इतनी कि उंगलियों पे गिनी जाए। यहाँ के लोगों की माने तो कहा जाता है कि ये मस्जिद 300 साल पुरानी है और मस्जिद के ठीक सामने एक तारीखी कुआं भी मौजूद है। दोस्तों, हिंदुस्तान की तारीख जैसे जैसे आगे बढ़ती गई वैसे वैसे बादशाह बदलते गए और मस्जिदें, मकबरे, किले, महल इस सरजमीन पर बनना शुरू हुए। हिंदुस्तान में बड़े बड़े किले, महल, मकबरे बनाए गए और तामीर का काम चलता रहा और हिंदुस्तान अलग अलग हिस्सों में बढ़ गया। इस देहात में मौजूद मस्जिद और पानी का इंतज़ाम इस बात का गवाह है कि एक दौर था कि यह मकाम असल अहमियत रखता होगा। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। नाज़रीन सरजमीन हिंदुस्तान का सूबा बरार है, जिस पर सबसे पहले सन 1400 ईस्वी में इमाद शाही सल्तनत के हुक्मरानों ने हुकूमत की। उसके बाद वक्त के साथ साथ ये सूबा बरार पर मुख्तलिफ बादशाहों ने हुकूमतें की। ये मस्जिद की असल तारीख बताना नामुमकिन है, लेकिन एक अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि ये मस्जिद दौरे मुगल हुकूमत में बनाई गई होंगी। नाज़रीन ये मस्जिद मौजूद है बुल्ढाना ज़िले के एक छोटे से देहात अंजनी में, जिसकी आबादी महज 3,000 है और मुस्लिम आबादी मानो इतनी कम है कि उंगलियों पे गिनी जाए। أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله। मैं हूँ अली, आपको हिंदुस्तान की तारीख और तारीखी इमारतों से रूबरू कराता हूँ,
वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।